वेलकम टू स्मार्ट जनरल नॉलेज। नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। ये जानते हैं 29 दिसंबर के इतिहास के बारे में। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का जन्म पंजाब के अमृतसर में 29 दिसंबर 1942 में हुआ था। राजेश खन्ना ने 1969 से 1971 के बीच 17 लगातार ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले व पहले सुपरस्टार थे। प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक तथा धारावाहिक रामायण के निर्माता रामानंद सागर का जन्म 29 दिसंबर 1917 में हुआ था। मुगल शासक बाबर का बेटा हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में 23 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठा था। 1 जनवरी 1556 को तीन पना भवन में फिक्र कर उनकी मौत हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद बनर्जी का जन्म 29 दिसंबर 1844 में हुआ था। कलकत्ता में आज ही के दिन 1972 में मेट्रो रेल का काम शुरू हुआ था। विश्व के पहले परमाणु बम बनाने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक रेगर पेपर का निधन 29 दिसंबर 1998 में हुआ था। प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बावा का निधन 29 दिसंबर 2008 में हुआ था। फिल्म अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1974 में हुआ था। नेपाल के राजा वीरेंद्र विक्रम शाह का जन्म 29 दिसंबर 1944 में हुआ था। यूनानी पद्धति के प्रसिद्ध चिकित्सक अजमल खान का निधन 29 दिसंबर 1927 में हुआ था। यूनानी चिकित्सा पद्धति 11वीं शताब्दी के आसपास अरबों और फारसियों द्वारा भारत में लाई गई थी। भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने आज ही के दिन 1983 में टेस्ट क्रिकेट में अधिकतम 236 रन वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाए थे। सुनील गावस्कर को 6 मार्च 1971 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना टेस्ट क्रिकेट कैरियर शुरू करने का मौका मिला था। टेक्सास आज ही के दिन 1842 में अमेरिका का राज्य बना था।